तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बातें करने वाले हैं नूबिया रेड मैजिक 3 के बारे में। तो ऐसे में इस फ़ोन को लेकर के एक वीडियो हम पहले से बना चुके हैं जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँ इस फ़ोन का प्राइस क्या होने वाला है, इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ मिल रहा है, इस फ़ोन को आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, फ़ोन कैसे फ़ोन होने वाला है, इस सब के बारे में दोस्तों उस वीडियो आप लोगों को मैं बताया हूँ। तो ऐसे में उस वीडियो को अगर देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो एक बार देख लीजिए। ऐसे में क्या होगा कि दोस्तों इस फ़ोन के बारे में आपको और भी ज़्यादा बढ़िया से आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात रहा इस वीडियो की, तो इस वीडियो में लोग बातें करेंगे कि इस फ़ोन में क्या क्या कमियाँ मौजूद है उसके बारे में। मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कमियाँ हर एक स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, चाहे वो सस्ता स्मार्टफोन हो चाहे वो महंगा स्मार्टफोन हो। मतलब हर एक स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ कमियां जरूर देखने को मिल जाता है। सेम टू सेम ये जो स्मार्टफोन है इसमें भी कुछ कमियां हैं जिसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं। मतलब आप अगर इस फोन को खरीदने का मन बना रहे हैं, मतलब आप अगर नूविया रेड मैजिक 3 को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो भी फोन आप खरीदने जा रहे हैं तो उस फोन में क्या क्या कमी है वो भी आपको जानना जरूरी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को मेरे ख्याल से आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना चाहिए ताकि आपको पता चल पाए कि इस फोन में क्या क्या कमियां मौजूद है। तो जो भी है इस वीडियो में लोग बातें करने वाले हैं नूविया रेड मैजिक 3 के जो भी सारे कमी है उसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में लोग बातें करने वाले हैं कि नूविया रेड मैजिक 3 में क्या क्या कमियां मौजूद है उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो कमी इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा वो हो गया इस फोन का कैमरा में। मतलब इस फोन में आपको मिल जाता है पीछे तरफ सिंगल कैमरा। मतलब इस फोन में आपको डुअल कैमरा नहीं दिया गया, इस फोन में दिया गया आपको सिंगल कैमरा। हाँ मैं मान रहा हूँ इस फोन का जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है, साथ में आपको सोनी का IMX586 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। मतलब अच्छे खासे कैमरा इस फोन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इस फोन का जो कैमरा है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। मतलब इस फोन का कैमरा से आप अच्छे खासे फोटो नहीं खींच सकते। जैसे कि डुअल कैमरा रहता है तो डेप्थ सेंसर साथ में रहता है तो बोके इफेक्ट अच्छा से आता है। उसके बाद दोस्तों कैमरा अगर ज़्यादा अच्छा से ऑप्टिमाइज रहता है तो क्या होता है कि अच्छे अच्छे फोटो आप खींच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ तक बात रहा इस फोन की, तो इस फोन में आपको सिंगल कैमरा मिलता है, अच्छे कैमरा मिल रहा है, अच्छा कैमरा सेंसर मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फोन का कैमरा से आप अच्छे खासे फोटो नहीं खींच सकते। मतलब दोस्तों इस फोन का जो 8 GB RAM 128 GB वाला वेरियंट है उसका दम रखा गया 36,000 रुपया, और जो 12 GB RAM 256 GB वाला वेरियंट है उसका दम रखा गया 47,000 रुपया, मतलब लगभग 50,000 रुपया। तो 47,000 रुपया में आपको मिल रहा है सिंगल कैमरा, भाई ये बात मुझे हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल तो 7,000-8,000 में भी आपको डुअल कैमरा वाले फोन देखने को मिल जा रहा है, लेकिन इस फोन का दाम इतना ज्यादा होने वाला है लेकिन फिर भी मिल रहा है इसमें सिंगल कैमरा, भाई अच्छी बात नहीं है। और साथ में इस फोन का जो कैमरा है वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। मतलब एक होता है ना कि तरह तरह के मोड देखने को मिल जाता है, बहुत अच्छे अच्छे फोटो आप सिंगल कैमरा से भी खींच सकते हैं, लेकिन वैसा भी नहीं होने वाला इस फोन का कैमरा, साधारण सा कैमरा होने वाला है। हाँ मैं मान रहा हूँ अच्छा कैमरा सेंसर है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन फिर भी जो है इस फोन का कैमरा उतना अच्छा फोटो नहीं खींच पाएगा, साधारण सा फोटो खींच पाएगा। उसके बाद दोस्तों जहाँ तक बात रहा सेल्फी के, तो सेल्फी भी दोस्तों उतना अच्छा नहीं होने वाला है इस फोन का कैमरा का, तो सेल्फी वो भी उतना अच्छा नहीं होने वाला है। मतलब इस फोन से अगर आप फोटो खींचेंगे और फोटो को किसी को दिखाएंगे, बोलेंगे कि भाई हम जो है 47,000 रुपया वाले फोन से फोटो को खींचा हूं, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि उतना अच्छा फोटो इस फोन का नहीं होने वाला है। तो इस फोन का जो कैमरा है आपको पूरे के पूरे निराश करने वाला है, इस फोन का कैमरा आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होने वाला है। तो आपको अगर एक अच्छा कैमरे वाला फोन चाहिए तो दोस्तों इस फोन का आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सिंगल कैमरा है और साथ में डेप्थ सेंसर भी नहीं दिया हुआ है। तो आपको अगर एक अच्छा कैमरे वाला फोन चाहिए दोस्तों इस फोन को आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। हाँ मैं माना कि जो गेमिंग फोन होता है ना उसका जो कैमरा होता है उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन भाई कम से कम डेप्थ सेंसर जरूर देना चाहिए इस फोन में। इतना सारा चीज़ दिए हो भाई, छोटा सा डेप्थ सेंसर देने में क्या होता है, लेकिन वो भी दोस्तों इस फोन में नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से इस फोन का जो कैमरा है उतना अच्छा नहीं है, प्राइस रेंज के हिसाब से आपको अच्छा कैमरा नहीं मिलता है। तो आपको अगर अच्छा कैमरा वाला फोन चाहिए दोस्तों इस फोन का बिल्कुल ना खरीदें। उसके बाद जो दूसरा कमियां मौजूद है वो हो गया इस फोन का डिस्प्ले में। मतलब दोस्तों इस फोन का जो डिस्प्ले है अच्छे होने वाला है, एमोलेड डिस्प्ले है, 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, FHD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। मतलब इस फोन का जो डिस्प्ले अच्छा डिस्प्ले है, लेकिन दोस्तों इस फोन का जो डिस्प्ले डिजाइन है ना वो एकदम पुराना जमाना जैसा है। मतलब दोस्तों आजकल जो भी फोन मार्केट में आ रहा है सारे के सारे फोन में आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, नहीं तो 5 साल नहीं तो वाटर ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस फोन का जो डिस्प्ले है ना, इस फोन का डिस्प्ले बेजल्स वाला डिस्प्ले होने वाला है। मतलब जो पुराने जमाने का डिस्प्ले होता है वैसा दिखने वाला है इस फोन का डिस्प्ले। ऊपर भी बेजल्स, नीचे भी बेजल्स, चारों तरफ भी छोटे छोटे बेजल्स छोड़ा गया है। मतलब दोस्तों अगर बेजल्स नहीं होता, फुल व्यू डिस्प्ले होता तो कितना अच्छा होता ना। इतना सारा चीज़ फोन में मिल रहा है, लेकिन जहाँ तक पता सामने तरफ की, तो सामने तरफ से फोन को अगर देखेंगे तो पुराना जमाने का जैसा दिख रहा है, क्योंकि ऊपर तरफ बेजल्स, नीचे तरफ बेजल्स। हम समझ रहे हैं गेमिंग फोन है, बेजल्स जाना जरूरी है, लेकिन दोस्तों आखिर दिख तो रहा है पुराना जमाने का फोन जैसा कि कोई बेजल्स वाले फोन आपको मिल रहा है और फोन का दाम भी इतना ज़्यादा होने वाला है। जबकि भाई आजकल जो है 10,000-15,000 में भी पूरा एकदम
कम बजट वाले फ़ोन देखने को मिल जाएगा। आपका सैमसंग गैलेक्सी M40 लॉन्च हुआ, उसमें तो 5-6 मिल रहा है, बजट उसका एकदम बिल्कुल ही नहीं है मान के चलिए, और उसमें पूरा फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया उतना उसका, जबकि उसका दाम जो है बहुत कम रखा गया है। लेकिन इस फोन का दाम इतना ज़्यादा होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको मिल रहा है क्या बेजल्स वाले फोन। तो कहीं ना कहीं ये भी जो इस फोन का एक कमी है कि इस फोन में आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है बेजल्स वाले डिस्प्ले जो कि पुराने जमाने जैसा दिखता है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है ये भी इस फोन का एक कमियाँ है। उसका बाद जो तीसरा कमी इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा वो होगा इस फोन का डिजाइन को लेकर के। मतलब दोस्तों इस फोन का जो डिजाइन है काफ़ी अच्छा है, देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है फोन, लेकिन जहाँ तक बात रहा पीछे तरफ की, तो इस फोन का पीछे तरफ मिडिल में ऐसे उभरा हुआ है थोड़ा सा। मतलब इस फोन का पीछे तरफ बैक साइड में मिडिल में थोड़ा सा उभरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि फोन को अगर आप टेबल पर रख रहे हैं तो ठीक से बैठ नहीं रहा है, वैसे ऐसे हिल रहा है फोन। तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों फोन में बहुत ही जल्दी स्क्रेच आ जाता है, क्योंकि दोस्तों पीछे तरफ जो है मिडिल में से उभरा हुआ है तो भाई स्क्रेच आना ही है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अगर एक प्लास्टिक कवर को फोन में लगा देंगे तो फोन में स्क्रेच वगैरह नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों इस फोन के साथ एक कवर भी प्रोवाइड नहीं करा जा रहा है, जबकि आजकल 7-8 हज़ार फोन के साथ भी एक प्लास्टिक कवर प्रोवाइड करा जा रहा है। मतलब जो भी स्मार्टफोन मार्केट में आ रहा है सारे का सारे फोन में आपको एक कवर देखने को जरूर मिल जाएगा, लेकिन इस फोन का दाम इतना ज़्यादा होने वाला है, लेकिन फिर भी इस फोन के साथ एक कवर को नहीं प्रोवाइड करा जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि दोस्तों कोई भी स्मार्टफोन में कवर लगाना जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर स्मार्टफोन में कवर चढ़ा के रखेंगे, कवर लगा कर रखेंगे, तो आपका स्मार्टफोन अगर हाथ से गिर भी गया तो उसमें उतना ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचेगा, ऊपर से उसमें स्क्रैच नहीं आएगा, ऊपर से उसको अगर टेबल पर रखेंगे तो ठीक से बैठ जाएगा, हिलेगा नहीं। मतलब बहुत सारा फायदा है कवर लगाने का, जबकि इस फोन का दाम इतना ज़्यादा होने वाला है फिर भी इस फोन में कोई भी कवर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। मतलब इस फोन के साथ में आपको एक कवर जरूर देना चाहिए था, जो कि इस फोन के साथ आपको देखने को नहीं मिलता है। उसका बाद जो चौथा कमी आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन में वो हो गया इस फोन का सिम स्लॉट को लेकर के। मतलब दोस्तों इस फोन में मिल रहा है खाली 2 सिम लगाने का स्लॉट, मतलब SD कार्ड जो इस फोन में आप नहीं लगा सकते। एक होता है ना हाइब्रिड सिम स्लॉट, जिसमें आप एक SD कार्ड और एक सिम कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, मतलब SD कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया हो रहा था, वो भी नहीं है इस फोन में। इस फोन में खाली आप जो है 2 सिम कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, SD कार्ड को बिल्कुल ही नहीं यूज कर सकते दोस्तों, गलत बात है। मतलब मान के चलिए कि आपके पास एक SD कार्ड है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको आपको एक्सेस करना है आपका मोबाइल में, तो उस समय आप क्या करेंगे, आपको बहुत ही झंझट का सामना करना पड़ेगा उस समय। तो अगर SD कार्ड का स्लॉट इस फोन में दिया हुआ रहता तो बड़े आराम से आप जो है SD कार्ड स्लॉट के मदद से आप जो है SD कार्ड के सारे डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ बिल्कुल ही नहीं है, खाली 2 सिम लगाने का स्लॉट दिया हुआ है, जो कि गलत बात है। कम से कम SD कार्ड लगाने का स्लॉट इस फोन में जरूर देना चाहिए था, कुछ नहीं है तो कम से कम हाइब्रिड सिम स्लॉट तो जरूर दे देना चाहिए था। तो जो भी है इस फोन में आपको SD कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं इस फोन का कमी है। तो आप अगर इस फोन को खरीदने का मन बना रहे हैं दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि इस फोन में SD कार्ड लगाने का स्लॉट बिल्कुल ही नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आप अगर SD कार्ड से डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं इस फोन में, तो आपको थोड़ा सा झंझट का सामना करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं इस फोन का एक कमी है। उसका बाद जो पांचवा कमी आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन में वो होगा इस फोन का एयर कूलिंग को लेकर के। मतलब दोस्तों इस फोन में मिल जाता है एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, जो कि फोन का प्रोसेसर को गर्म नहीं होने देगा, मतलब फोन को गर्म नहीं होने देगा। मतलब इस फोन में लगाया गया है अंदर में एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी, मतलब इस फोन में अंदर में एक फैन देखने को मिल जाएगा, एक पंखा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही स्पीड में घूमता है प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए, बहुत ही स्पीड में घूमता है और काफ़ी ज़्यादा शोर मचाता है। मतलब दोस्तों ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसर को गर्म नहीं होने दे रहा है भाई, अच्छी चीज़ है। और मतलब कहीं ना कहीं फ़ोन के भलाई के लिए इसको लगाया गया है, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा शोर करता है, पंखा शोर करेगा भाई, जान ही रहे पंखा जब घूमता है तो आवाज़ होता ही है। तो ऐसे में मान के चलिए कि आपका पंखा ऑन है, अंदर का जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो ऑन है और काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है, और आप जो है मान के चलिए गेमिंग वगैरह कर रहे थे दोस्तों, आपको डिस्टर्ब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ये भी इस फोन का एक कमी है कि इस फोन का जो कूलिंग फैन है, जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी ज़्यादा शोर करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों गेमिंग करते समय थोड़ा सा डिस्टर्ब आदमी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, जो नूबिया कंपनी इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इस फोन का जो कूलिंग टेक्नोलॉजी उसका आवाज़ को थोड़ा सा कम करना चाहिए किसी भी तरह से। तो कहीं ना कहीं ये भी जो इस फोन का एक कमी आई कि इस फोन का जो कूलिंग टेक्नोलॉजी वाले फैन है ये काफ़ी ज़्यादा शोर करता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो इस फोन का ये भी एक कमियाँ है। उसका बाद दोस्तों ये फोन जो है काफ़ी भारी होने वाला है। मतलब दोस्तों ये भी जो इस फोन का कमी आई कि फोन काफ़ी भारी होने वाला है। अब भारी क्यों है, क्योंकि दोस्तों इस फोन में आपको बड़े बैटरी देखने को मिल जाए, उसके बाद मेटल बॉडी डिजाइन देखने को मिल जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों फोन काफ़ी भारी मतलब महसूस हो रहा है। मतलब ये फोन का वजन दोस्तों 224-225 ग्राम के आसपास रहने वाला है, जो कि काफ़ी भारी है। तो ऐसे फोन का अगर आप हाथ में उठाएंगे तो काफ़ी भारी फील होगा, उसके बाद पॉकेट में रखेंगे भी तो आपको लगेगा कि भाई पॉकेट में कोई वजनदार चीज़ रखा हुआ है। मतलब फोन जो है काफ़ी भारी है। तो ऐसे में आपको अगर एक हल्का फोन चाहिए, भारी फोन नहीं चाहिए दोस्तों, ये फोन का आपके लिए नहीं है, क्योंकि फोन जो है काफ़ी भारी होने वाला है। तो कहना कि ये भी दोस्तों ये फोन का कमी है कि ये फोन जो है काफ़ी भारी होने वाला है। मतलब आजकल जो भी फोन मार्केट में आ रहा है वो काफ़ी पतला मतलब डिजाइन के साथ आ रहा है, एकदम पतला डिजाइन के साथ आ रहा है, और फोन जो है काफ़ी मतलब हल्का हो रहा है, लेकिन ये फोन जो है थोड़ा मोटा भी और काफ़ी भारी भी है। तो कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों ये फोन का कमी है कि फोन काफ़ी भारी है। उसका बाद जो आखिरी कमी है इस
फोन में आपको देखने को मिल जाएगा वो हो गया इस फोन का प्राइस को लेकर के। मतलब दोस्तों फोन जो है हमको काफ़ी ओवर प्राइस्ड लगा। मतलब इस फोन का जो 12 GB रैम 256 GB वाला वेरियंट है उसका दाम रखा गया 47,000 रुपया हमारे इंडिया में। 47,000 मतलब लगभग 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपये में आपको मिल रहा है क्या सिंगल कैमरा वाले फ़ोन, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। तो ऐसे में इस फोन का जो शुरुआती मॉडल है मतलब 8 GB 128 GB वाला वेरियंट उसका दाम रखा गया 36,000 रुपया। तो 36,000 रुपये में आपको जो है सिंगल कैमरा मिल जा रहा है, ये भी दोस्तों गलत बात है। और साथ में आप क्या मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 855। तो ऐसे में स्नैपड्रैगन 855 वाले फ़ोन तो और भी कम प्राइस में मिल जा रहा है। मतलब कुछ दिन बाद आने वाला है भाई रेडमी K20 प्रो, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिल जाएगा। उसका दाम दोस्तों रखा जाएगा हमारे इंडिया में 24 से 25 हज़ार के अंदर। उसके बाद 35,000 के अंदर आसुस का एक फोन आ रहा है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिल जाता है। तो ये सारे फोन में क्या होता है कि दोस्तों अच्छे खासा कैमरा भी प्रोवाइड करा जा रहा है, जबकि जो रेड मैजिक 3 है उसमें आपको अच्छे कैमरा नहीं दिया गया है। लेकिन ये सारे फोन जो है आसुस का एक फोन है 855 वाला, उसके बाद आपको रेडमी K20 प्रो, ये सारे फोन में आपको स्नैपड्रैगन 855 भी मिल रहा है और साथ में मिल रहा है अच्छे खासे कैमरा सेटअप। और उसके बाद जो रेडमी K20 प्रो है ना, इसका दाम भी काफी कम मतलब 24-25 हज़ार के अंदर होने वाला है। उसमें भी आप भरपूर गेमिंग कर पाएंगे, उसमें आपको गेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और साथ में अच्छे खासे कैमरा सेटअप मिल रहा है, अच्छे खासे बैटरी मिल रहा है। दोस्तों ऐसे में मेरे ख्याल से आपको जो 36,000 में ये फोन नहीं खरीदना चाहिए, सिंगल कैमरा वाले फोन नहीं खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए रेडमी K20 प्रो का, नहीं तो एसुस का जो 855 वाला फोन है उसका आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई उसमें आपको अच्छा कैमरा मिल रहा है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, साथ में अच्छा कैमरा भी मिल जा रहा है। तो आप रेड मैजिक को क्यों खरीदेंगे गेमिंग करने के लिए? तो भाई ये सारे फोन में भी तो अच्छे खासा प्रोसेसर मिल रहा है, ये सारे फोन में आप सेम गेमिंग को पूरा स्पीड में एकदम अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सारे फोन का भी तो परफॉर्मेंस अच्छे होने वाला है, स्नैपड्रैगन 855 मिल रहा है, तो भाई ये सारे फोन में क्या दिक्कत है? मतलब उस फोन में आपको क्या मिल रहा है, 35,000 में 36,000 आपको मिल रहा है सिंगल कैमरा, लेकिन सारे फोन में 3-3 कैमरा का सेटअप प्रोवाइड करा जा रहा है और उसके बाद दोस्तों फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से नोविया रेड मैजिक 3 को ना लेकर के आपको जो दूसरा चॉइस मार्केट में अवेलेबल है उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको अच्छे परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको जो अच्छे डिस्प्ले मिल रहा है, फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और अच्छे कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। और उस सारे फोन में आप जो है अच्छे खासे गेमिंग भी कर पाएंगे, गेमिंग में भी कोई दोस्तों प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि उस सारे फोन में आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये सारे कमियां जो इस फोन में मौजूद है जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, तो इससे मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज आप समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर इस फोन को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट से कमेंट करिए, हम जो जो रिक्वेस्ट करेंगे आपको सारे जवाब देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो, तो ऐसे में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, अगर वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अपने फैमिली वाले, ताकि जो जानकारी इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो रोजाना आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे नया वीडियो, तो फिर जय हिंद वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।